नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाते हैं तो आपका यूज होना स्टार्ट हो जाता है। आपको जो मतलब फ़ायदे मिलने चाहिए वो उतने फ़ायदे मिल नहीं पाते हैं, तो इसलिए आपका नुकसान कहीं ना कहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही भारत की स्टोरी है। भारत की स्टील इंडस्ट्री दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। अब सोच लीजिए कि सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है तो हमें कोकिंग कोल कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। जब हमें कोकिंग कोल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हमारा किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट रहना बड़ा ही ख़तरनाक है पूरी इंडस्ट्री के लिए। इससे हमारी पूरी इंडस्ट्री ख़त्म हो सकती है। पूरा उसको एक दबाव झेलना पड़ सकता है प्राइसिंग का, और इससे न जाने कितना हमारे पास नौकरियों का भी नुकसान हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी किसी ने अपना सप्लाई बंद कर दी या प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई कर दी या क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर दिया तो हमारी पूरी इंडस्ट्री इंपैक्ट कर सकती है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि पूरी न्यूज आखिर है क्या। दोस्तों दरअसल क्या है कि भारत को कोकिंग कोयल की ज़रूरत पड़ती है अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो कोकिंग कोयल हमें मंगाने के लिए ये समझ लीजिए कि जितनी हमारे कंजम्पशन है, जितनी हमें ज़रूरत है, उसका 85% हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। उस 85% में भी 70% तो हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से परचेज करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया हमें 70% कोल सप्लाई कर देता है हमारी ज़रूरत का। अच्छा, अब ये ज़रूरत का जो सामान सप्लाई करता है इसका प्राइस जो तय करती है वो ना इंडिया तय करता है ना ऑस्ट्रेलिया तय करता है, ये तय करते हैं यूएसए और यूके। दरअसल दो प्राइसिंग एजेंसी हैं, एक इंडेक्स है। ये समझ लीजिए कि अमेरिका की एक एजेंसी है प्लेटो और यूके की एक एजेंसी है आर्गस। ये दोनों कमोडिटी मार्केट की प्राइसिंग तय करती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितने में बिकेगा और कितने में ख़रीदा जाएगा। तो प्राइसिंग वो लोग तय करते हैं। अब ये समझ लीजिए, ये प्राइसिंग बिल्कुल ऐसी है जिसमें आपको अगर आंकड़ों में बताऊं तो 2021 और 2022 इसका प्राइस कोकिंग कोल का जो था वो $150 से $170 के बीच में था। फिर ये 2023 की अगर बात करें तो $350 हो गया। अब ये समझ लीजिए कि डबल से भी ज़्यादा हो गया, ये इतना महंगा हो गया एक साल के भीतर। और फिर अगर अब बात करें 2024 की तो यही जो प्राइस है $250 हो गया है। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अब हमारी स्टील इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और उसमें इस तरह का प्राइस फ्लक्चुएशन किसी भी तरह से अच्छा नहीं है बिज़नेस के लिए, ना उसमें प्रॉफिट रह जाता है और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इसी के साथ हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों ही चीज़ें इम्पैक्ट करने लगती हैं। दोस्तों अब क्या है कि भारत ने इसका अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट किया। फिर जब ढूंढना स्टार्ट करा तो उसमें हमें दो कंट्री मिले, एक रसिया और एक मंगोलिया। मंगोलिया के बारे में आपको बता दें कि ये चीन और रसिया दोनों का पड़ोसी देश है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इसको मतलब कहीं से भी इसको सिप नहीं मिलता है, इसको समुद्र नहीं है। तो हमने अभी बात जो करी है ख़रीदने की वो रसिया से बात करी है और मंगोलिया से बात करी है। यहाँ तक कि मंगोलिया से तो हमने एग्रीमेंट भी कर लिया है कि 300,000 टन हमें कोल कोकिंग कोल सप्लाई कर दो। अच्छा, कोकिंग कोल आपको बता दें कि वो कोयला होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी ये स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ही परफेक्ट कोयला होता है। अब आपको बता दें कि मंगोलिया जो सप्लाई करेगा कोकिंग कोल वो 300,000 टन का एग्रीमेंट कर चुका है और ये अगले 3 से 6 महीने के बीच में ये सप्लाई भी कर देगा। अब आपको बता दें कि हम आखिर जब इनसे ख़रीदने जा रहे हैं तो प्राइसिंग के लिए जा रहे हैं। अब प्राइसिंग की बात करें तो रसिया और मंगोलिया दोनों ही से हमने बात करी प्राइसिंग को लेकर के, तो ये बोलने लगे कि ठीक है, हम प्राइसिंग के लिए आपके ऊपर डालते हैं, आपके सेंट्रिक जैसा इंडिया सेंट्रिक हम प्राइसिंग रखेंगे, जिनका दोनों एजेंसी प्लोटो और ऑर्गस से कोई लेना देना नहीं होगा। एक नया टाइप का आपको प्राइसिंग मिलेगी और आपकी सेंट्रिक मतलब भारत को ही पूरी तरह से देखकर बनाई जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं हमको सस्ता चीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों सस्ती चीज़ भी हमें मिलेगी, दूसरी चीज़ हमने अपने चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर दिया, हम किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। अच्छा, अब मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है और ऊपर से एक हमारा जब चाइना उसमें है
इन्वॉल्व, तो ये आएगा कैसे सामान? तो आपको बता दें कि मंगोलिया से पहले कोयला जाएगा रसिया के अंदर, फिर रसिया का व्लादिवोस्तोक पोर्ट तक पहुंचेगा, फिर व्लादिवोस्तोक पोर्ट से फिर शिप के थ्रू इंडिया के चेन्नई पहुंचेगा, यानी कि इंडियन पोर्ट पर आ जाएगा। तो ये मंगोलिया का रूट ऐसा होगा भारत के पास आने का। और दूसरी चीज़, रसिया से जो आएगा, रसिया में ज़्यादातर जो मॉस्को और ये कोयल होता है ये मॉस्को में निकलता है, तो मॉस्को जो वहाँ से निकलेगी और फिर वहाँ से व्लादिवोस्तोक आएगी, व्लादिवोस्तोक आने से फिर उसके बाद चेन्नई पहुंच जाएगी, एक रूट ये। दूसरा रूट और भी है रसिया के पास, वो ट्रेन के थ्रू पहुंचा देगा हमें ईरान तक, ईरान के चाबहार पोर्ट तक पहुंचेगा कोयला, और कोयले चाबहार से फिर इंडिया आ जाएगा। यहां तक कि आपको बता दें कि रसिया से कोयला आ भी चुका है चाबहार पोर्ट की तरफ से, मतलब ये दूसरा रूट है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक हमने जो पोर्ट बनाया चाबहार का, उसका भी इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है बिज़नेस पर्पज़ के लिए। तो ये पूरी तरह से अच्छी चीज़ है, इससे ईरान का भी फ़ायदा है, ईरान को भी इसमें कमाई करने का मौका मिलेगा क्योंकि वो चाबहार पोर्ट यूज हो रहा है वहाँ पर। दोस्तों ये भारत के लिए अच्छी चीज़ है कि भारत से को देखते हुए जो प्राइसिंग होगी, तो इससे कहीं ना कहीं हमको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, हमारे जो इंडस्ट्री है उस पर इतना दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।